हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी किचन सेंटर। भिंडी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद होती है। वैसे रेगुलर स्टाइल में आप भिंडी बनाते ही होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा बिल्कुल अलग अंदाज से। रेसिपी के लिए चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स: 100 ग्राम भिंडी, 1 इंच में कटी हुई, 2 प्याज ऐसे पत्तियां खुले हुए, 1 टमाटर ऐसे बड़ा सा चॉप किया हुआ, 1 कैप्सिकम ऐसे बड़ा सा चॉप किया हुआ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून तेल, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की ग्रीन चटनी, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 4 टेबलस्पून हैवी क्रीम। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर नोटिफिकेशन। आइए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया था। हम उसमें भिंडी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने मीडियम फ्लेम रखी है। हमारी भिंडी फ्राई होके रेडी है। बहुत ही बढ़िया कलर हो गया है इसका। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में सेम ऑयल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ सारी सब्जियों को डीप फ्राई कर रहे हैं। आप हेल्थ ओरिएंटेशन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में कैप्सिकम डालेंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे कैप्सिकम फ्राई हो चुके हैं, हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम टमाटर को फ्राई कर लेंगे। टमाटर फ्राई हो चुके हैं, हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सब्जियां बहुत ही कलरफुल दिख रही है, सभी के कलर बरकरार रहे हैं। अब हम सब्जी के लिए मसाला बना लेंगे। सेम पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम उसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। जो हमने प्याज को कट किया था, जिसकी पत्तियां अलग की थी, उसके अलावा बचा हुआ प्याज हमने बारीक कट कर लिया है यहाँ पे। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम रखेंगे। बाद में हम बारीक कटी हुई लहसुन और हरी पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सारे मसाले डाल लेंगे: हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ऑयल में ऐसे भूनने से उनके स्वाद और भी निखर जाते हैं। जब ये मसाले अच्छे से पक जाए, तब हम उसमें दही डाल लेंगे। दही डालते वक्त हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, वरना दही आपका फट सकता है। अब हम दही को अच्छे से मिला लेंगे।
फिर से हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे जब तक ये ऑयल छोड़े। अब हम उसमें हैवी क्रीम मिला लेंगे। अगर आपके पास हैवी क्रीम ना हो तो आप इसमें मलाई का भी यूज कर सकते हो। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा हुआ तो आप उसमें दूध डाल के उसे थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो। हमारी ग्रेवी ने थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम उसमें सारे वेजिटेबल्स मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर यूं ही चलाते रहेंगे। अब हम पैन में लिड लगा के उसे 5 मिनट्स तक पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी सब्जी बनके तैयार है। सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें धनिया मिला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हमारा सब्जी बन गया है। अब हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, डिलीशियस भिंडी दो प्याजा बनाना कितना आसान है। तो जब भी घर पे मेहमान आए या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी की सब्जी। बनाइए, खुद खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स।